हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साहित्यिक सम्मान की अगली वीडियो में। इसमें आज का पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कलिंग पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए मंजुल भार्गव, ऑप्शन बी जगजीत सिंह, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी श्रीनिवास वर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको 1963 ईस्वी में मिला था। ये प्रथम भारतीय कलिंग पुरस्कार विजेता थे। अगर इसमें और बात करें कलिंग पुरस्कार की, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम कलिंग पुरस्कार विजेता, प्रथम कलिंग पुरस्कार विजेता अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो हो जाएंगे लुईस डी ब्रोगली। लुईस डी ब्रोगली, इनको 1952 में मिला था ये सम्मान। ठीक है, अगर इसकी बात करें जो कलिंग पुरस्कार होता है, यह है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, जो कलिंग पुरस्कार जो होता है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यह पुरस्कार को प्रारंभ करने में सबसे अहम भूमिका कलिंग फाउंडेशन के जो संस्थापक थे बीजू पटनायक ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एवेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2001। लेकिन ये प्रथम बार कब दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम बार दिया गया 2003 में। 2003 में एबेल पुरस्कार प्रथम बार दिया गया। अगर इसमें प्रथम विजेता की बात करें, प्रथम विजेता, जो हैं वो जीन पियरे सैरे थे। जीन पियरे सैरे, इनको 2003 में ये मिला था। ये प्रथम विजेता हैं एबेल पुरस्कार के। अगर प्रथम भारतीय विजेता पूछ लिया जाए, प्रथम भारतीय विजेता, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय विजेता एस आर श्रीनिवास, एस आर श्रीनिवास वर्धान, एस आर श्रीनिवास वर्धान जी को मिला है 2007 में। ये भी आपको ध्यान रखना। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, एस आर श्रीनिवास जो वर्धान है, इन्हें साल 2023 में पद्म विभूषण भी मिला है। एस आर श्रीनिवास वर्धान जी को साल 2023 में पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, अगर एबेल पुरस्कार की बात करें तो यह गणित के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को नॉर्वे के राजा द्वारा
दिया जाता है। ठीक है,